आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। श्रीनगर में लाल चौक पर आतंकियों ने किया ताबड़तोड़ हमला। जी हां, इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले व्यक्ति की पहचान कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू के रूप में हुई है। बिंद्रू कश्मीरी पंडित समुदाय के उन गिने चुने लोगों में से एक थे जो 1990 में कि उग्रवाद की शुरुआत के बाद कश्मीर से भागे नहीं। वो अपनी पत्नी के साथ अपनी फार्मेसी बिंद्रू मेडिकेट का संचालन जारी रखने के लिए श्रीनगर में ही रुक गए थे। बता दें कि आतंकवादियों ने एक बाल पार्क के पास बिंद्रू मेडिकेट के मालिक माखनलाल बिंद्रू पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां चलाई जब वह अपनी दवा की दुकान पर थी। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। तो वहीं पुलिस ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाश जारी है। इससे पहले 17 सितंबर को आतंकियों ने पुलिस ने बतौर फॉलोवर काम कर रहे बंटू शर्मा को नज़दीक से गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। ये परिवार पिछले 30 सालों से अधिक समय से कश्मीर में रह रहा है। जी हाँ, कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के प्रयास और उनकी संपत्तियों के कब्जे हटाने की कवायद के बीच पाकिस्तान ने फिर 1990 जैसे हालात पैदा करने की साजिश रची है। कश्मीरी पंडित को निशाना बनाकर उन पर होने वाले हमले इसकी पुष्टि करते हैं। 90 के दशक में इसी तरह के हालात पैदा किए गए थे जिसके बाद कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान और उनकी खुफिया एजेंसी ISI को ये रास नहीं आ रहा है कि सरकार ने कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों से कब्जे हटाने का अभियान शुरू किया है। इसके चलते पाकिस्तान ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और TRF को इस समाज को निशाना बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। पूरी साजिश लोगों में खौफ का वातावरण बनाने की है। इस साजिश के तहत पिछले कुछ दिनों से कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों ने हमले तेज कर दिए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं।